गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोवलम। सो लास्ट व्लॉग में मैं आपको लेकर आई थी केरला के इस खूबसूरत बीच कोवलम बीच पे और हमने किया था यहाँ के लाइट हाउस बीच को विजिट। अब आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगी कन्याकुमारी, जो कि कोवलम से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर है। अगर आप कोवलम में भी हैं तो आप आराम से एक दिन में कन्याकुमारी विजिट करके आ सकते हैं और वहाँ की फेमस प्लेसेस जैसे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल या महात्मा गांधी टेम्पल, आप इन सभी को विजिट करके आराम से शाम तक वापस कोवलम आ सकते हैं। एंड कन्याकुमारी से वापस लौटने के बाद मैं आपको कराऊंगी लाइट हाउस के अंदर का टूर और दिखाऊंगी कोवलम बीच आपको लाइट हाउस के ऊपर से। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर ब्लॉग मैं आपको बता दूं, हमने कोवलम में जो प्रॉपर्टी बुक की थी वो थी सागरा बीच रिजॉर्ट, जहां से व्यूज़ बहुत ही सुंदर थे। आप देख सकते हैं यहां की ब्रेकफास्ट टेबल से कुछ ऐसे नज़ारे थे। और बस अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं अपने कन्याकुमारी टूर के लिए। गाइज वी हैव रीच्ड कन्याकुमारी एट 11:10 AM। गाइज अभी हम लोगों ने ये चश्मा यहाँ से बाई किया है कन्याकुमारी से, इसका 300 बता रहा था बट हमने 100 rupees में बार्गेनिंग करके लिया है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी लोकल शॉप है बट बार्गेनिंग आनी चाहिए आपको। सबसे पहले हम जा रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल का जेटी सफारी का टिकट लेने के लिए, वही ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, यहाँ वेजिटेरियन खाना ज़्यादा है। ओके फेरी का टिकट यहाँ मिलता है, फेरी चार्जेस 2 and 4 rupees, 75 rupees पर पर्सन नॉर्मल टिकट। एंड दिस इज़ स्पेशल टिकट एंट्री 300 rupees। कोई भीड़ तो है नहीं, लाइन भी नहीं है, तो हम जनरल वाला ही टिकट लेने जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत रश रहता है अगर आप सीजन में आते हो। पूरा खाली, ऑफ सीजन आने का कोई तो फ़ायदा हुआ। Say hi. मुझे लगा कह रहे वीडियो बनाना मना है, कह रहे नहीं वीडियो ले लो मेरा। Do not write on the hall. थोड़ा बहुत क्यों है, बैठने के लिए भी सेटिंग एरिया बना हुआ है। सो फिर नेक्स्ट फेरी में हमारा नंबर आएगा। फाइनली हमारा नंबर आ गया, 15 मिनट वेट करना पड़ा बस। गाइस ये रहा विवेकानंद मेमोरियल एंड ये हैं तमिल पोएट थिरुवल्लुवर, उनकी जो 133 फीट की स्टैचू बनी थी वो यही विवेकानंद मेमोरियल के पास में ही है। सो आफ्टर वेटिंग फॉर 15 मिनट्स हमारी फेरी का नंबर आ जाता है। एंड आई वुड से कि मैं ऑफ सीजन में ट्रैवल कर रही थी, स्टिल दी फेरी वॉज फुल और काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये फेरी राइड्स चलती रहती हैं एंड काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। यू नो 75 rupees का टिकट था पर एडल्ट एंड जो कि आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक ले जाती भी हैं एंड वापस भी लेकर आती हैं। और अभी हम बैठ चुके हैं, काफ़ी बड़ी फेरी। दोस्तों ये छोटी सी फेरी राइड टुवर्ड्स द मेमोरियल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, काफ़ी ज़्यादा मेमोरियल थी बोथ मेरे और पापा दोनों के लिए, बिकॉज इतना क्लियर वाटर हमने कहीं नहीं देखा। दिस इज़ लक्षद्वीप सी। सो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल जो है वो चारों तरफ लक्षद्वीप सी से घिरा हुआ है एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड आफ्टर दिस शॉर्ट राइड फाइनली हम पहुँच जाते हैं रॉक मेमोरियल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी कि मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ पा रही थी गोप्रो के थ्रू। सो बेसिकली मैं वहाँ पे बता रही थी कि वहाँ पहुँचने के बाद भी एक हमें एंट्री फीस देनी पड़ रही थी 30 rupees की, जो कि सबके लिए इक्वल थी। जो VIP के थ्रू आए थे, VIP एंट्री के थ्रू आए थे, उनके लिए भी 30 rupees था और जो जनरल आए थे वो भी 30 rupees पे करके अंदर जा सकते थे। तो एंट्री करते ही स्लीपर्स उतारनी पड़ती हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, फिर आपको नंगे पैर ही ये पूरा
मेमोरियल विजिट करना है। गाइस दिस इज कन्याकुमारी एंड वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों विवेकानंद मेमोरियल दो रॉक्स के ऊपर बनाया गया है। माना जाता है कि इसी रॉक पे बैठ के स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था और उन्हें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं के सम्मान में ये विवेकानंद मेमोरियल का निर्माण किया गया था 1970 में। जो दूसरी कहानी फेमस है वो कुछ यूं है कि जो दूसरी वाली रॉक है वहाँ पे माता पार्वती ने कन्याकुमारी के स्वरूप में बैठ के तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, और उन्हीं के ऊपर ये श्री पदा मंडपम नाम का टेम्पल बनाया गया है। इस टेम्पल की खासियत ये है कि यहाँ पे अभी भी माता पार्वती की जो चरण पादुकाएं हैं जो रॉक के अंदर से निकली थी वो अभी भी वहाँ पे विराजमान है, और वहाँ पे जाके जो श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन कर सकते हैं। सो इसमें देवी माँ के जो पैर है ना वो रॉक के अंदर से निकले हुए थे, ऐसा नहीं है कि उस पर पैर रखा है, उसके अंदर से निकला हुआ पैर उठा हुआ। सो यहाँ पे देवी माँ ने तपस्या की थी, पार्वती माँ ने तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। सो इसी उन्हीं के नाम से ये उनका मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें उनके पैरों के निशान दिखाए। अब ये है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। गाइस अभी गर्मी बढ़ती जा रही है, नीचे से ज़मीन भी गर्म हो रही है, थोड़ा ठंडा जगह ढूंढना पड़ेगा। पापा इधर आ जाओ, पीछे वॉशरूम भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो अब गर्मी हो चुकी है और देखा जाएगा अब यहाँ पे कितनी देर और स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज़ रॉक, काफ़ी अच्छा से बनाया है। कन्याकुमारी एक और चीज़ के लिए फेमस है जो है इसका संगम पॉइंट। सो कन्याकुमारी में तीन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, तीनों का मिलन होता है, और आप कन्याकुमारी से ये संगम पॉइंट आराम से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको तीनों ओशियंस के डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था सो मैं संगम पॉइंट तक तो नहीं जा पाई थी, बट मैं जो विवेकानंद मेमोरियल से देख पा रही थी वहाँ पे दो कलर क्लियरली विजिबल थे, एक था ग्रीन कलर और एक था ब्लू कलर। सो अगर आप कभी कन्याकुमारी जाएं तो संगम पॉइंट पे ज़रूर जाएं, क्योंकि ये इट्स अ वेरी रेयर फिनोमिना जो आपको कन्याकुमारी से ही देखने को मिल सकता है। लगभग दो घंटे का समय है और इसमें ही हमें कन्याकुमारी घूमना है। सो हम शायद कन्याकुमारी माता का टेंपल ना जा पाएँ। सो यहाँ पे जो प्लेसेस टू विजिट में मेन अट्रैक्शन जो है वो यही है, विवेकानंद मेमोरियल और कन्याकुमारी टेंपल एंड बीचेस कन्याकुमारी के। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना खाने, लोकल फूड ट्राई करते हैं यहाँ का, और अभी फेरी का वेट करने जा रहे हैं। तब तक एक बार लास्ट आपको ये व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है यार। कोकोनट वाटर का टेस्ट मीठा था, बट ऐसा दिल्ली में भी होता है, तो मतलब नथिंग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अभी हम जा रहे हैं होटल मारुति। बोटल भैया ने हमें रिकमेंड किया है कि लोकल खाना आप मारुति होटल से खाएं। सो बस यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहा है। सो अभी ढूंढते हैं होटल और फिर खाना खाते हैं। यहाँ की मार्केट कोवलम बीच से बेटर लग रही है। गाइस कन्याकुमारी में आपको दिल्ली पंजाबी ढाबा ऐसी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। सो खाने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा होटल मारुति, सुचिंद्रम मारुति होटल, प्योर वेजिटेरियन। सो मुझे कन्याकुमारी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, सो मैंने बोट वाले भैया से ही पूछ लिया था कि आप क्या सजेस्ट करते हो, हम कहाँ पे लंच करें। सो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको लोकल तमिल, बेस्ट तमिल फूड खाना है तो श्री मारुति रेस्टोरेंट वहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, होटल सी व्यू के पास। सो बस हम पहुँच जाते हैं होटल मारुति, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना लीव्स पे हमें तमिल मील सर्व की जा रही है, ऑथेंटिक तमिल फूड सर्व किया जा रहा है। इसका प्राइस था 120 रुपीज़, और इसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते थे।
काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट लगा मुझे और बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ का आई मस्ट से। अगर आप कभी कन्याकुमारी जाएं तो ज़रूर श्री मारुति रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करें। एक तो ये हेल्दी भी बहुत रहेगा और दूसरा टेस्ट वाइज इट वॉज ऑसम। मैंने इससे ज़्यादा इंजॉय किसी और जगह पे केरला में नहीं किया था। पूरे केरला ट्रिप का मेरा ये बेस्ट खाना था। मैंने पूरी प्लेट खा ली है, बहुत ज़्यादा हो गया था। इट वॉज वेरी टेस्टी। ये है खीर पायसम, उसे लास्ट में यही रही है। सो कन्याकुमारी बहुत सुंदर है, नो डाउट। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो कन्याकुमारी रुकूंगी, बट अभी हम चलते हैं कोवलम वापस, क्योंकि रात की फ़्लाइट है और वहाँ पे लाइट हाउस रह गया था मेरा। सो इफ़ आई लीव एट 2 o'clock, अभी 2 बज रहा है, तो 4:30 तक आराम से पहुँच जाएंगे और फिर लाइट हाउस भी हो जाएगा हमारा। एटलीस्ट वो ऊपर जा कर के सनसेट भी देख लेंगे। तो लेट्स गो टू कोवलम। कोवलम आ चुकी है, जस्ट रनिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस बिकॉज 5 PM इज़ द क्लोजिंग टाइम एंड इट्स ऑलरेडी 4:30। और पापा अभी आराम कर रहे हैं रूम में, तो पापा नहीं जाएंगे। So he is showing me the way to lighthouse. Then we'll buy one ticket. Entry ticket I think 25-30 rupees ka hai. And we'll see the top view. That entry way, that car going there is the lighthouse. Okay. And there is a counter 50 rupees. 30 rupees ka. Okay. Cool. Thank you. सो अभी क्लॉक रूम में मेरा सामान रखवा दिया गया है। 5 रुपये का इन्होंने चार्ज किया है। शूज़ एंड बैग सब रखवा दिया है। This you keep it here. This is what I have asked her. I have paid for it. ट्राईपॉड भी रखवा दिया। अब चलते हैं। Need to lift. सो लाइट हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो एक स्टेयर केस बना होगा जिसके थ्रू आपको ऊपर जाना है। प्लस लाइट हाउस सफोकेटिंग ना हो तो वहाँ पे ये ऐसी छोटी छोटी सी विंडोज़ बनाई जाती हैं जिसके थ्रू यू नो वेंटिलेशन होता है। तो इट वॉज वेरी वेरी विंडी इनसाइड, बिल्कुल भी सफोकेटिंग नहीं लगा मुझे। एंड टू माय सरप्राइज इस लाइट हाउस में एक बहुत ही नई जैसी लिफ्ट लगी हुई थी जिसके थ्रू आप 2 फ्लोर ऊपर जा पा रहे थे। सो इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग बिकॉज जो भी बूढ़े लोग थे वो भी एक्चुअली जा पा रहे थे ऊपर तक बिकॉज ऑफ दिस लिफ्ट। फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्टेयर्स आती हैं। मेरे को डर लग रहा है। हाँ। यार ये तो 180 डिग्री ऊपर। हाँ 180 डिग्री ऊपर लेगा। सो थोड़ा बहुत डरते डरते इस 180 डिग्री सीढ़ियों के थ्रू हम पहुंच जाते हैं ऊपर लाइट हाउस के टॉप पे। लाइट हाउस के ऊपर खड़ी हूँ। लुक एट द व्यू। तो लाइट हाउस के ऊपर के व्यूज़ कुछ इस तरह से थे। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही थी गाइस ऊपर से बीच को और इस समुंदर को देखने में। एंड बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस लेने के बाद अब बारी थी वापस कोवलम बीच जाने की और कुछ आखिरी लम्हे वहाँ पे गुजारने की। बीच पे आ गई हूँ यार, पानी तो गया मेरे पैर पे। कल तो हम नीचे ही नहीं उतर पाए थे ड्यू टू रेन, बारिश बहुत तेज थी कल, पापा ने भी मना कर दिया था, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस लुक एट दिस व्यू, दिस लाइट हाउस, दिस सीनरी यार, इट्स सो अमेजिंग। सो फाइनली हमने कोवलम बीच को उसकी सुंदरता की पीक पे देख ही लिया था। बादल हट चुके थे, सूरज की किरणें आ चुकी थी और जो सनसेट हम लास्ट डे नहीं देख पाए थे वो हमने आज विटनेस कर लिया था। और विद दिस ब्यूटीफुल व्यू हमारी ट्रिप का भी दी एंड आ चुका था। बट बिफोर साइनिंग ऑफ मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ।
सो जनरली आप लोग ट्रैवल करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रैवल भी करते होंगे, बट मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स भी अब ओल्ड हो रहे हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत है। सो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें भी दुनिया दिखाएं, उन्हें भी अपने ट्रैवल में, ट्रैवल लाइफ में शामिल करें, उनको भी दुनिया एक्सप्लोर कराएं, सो दैट वो भी हमारी दुनिया को हमारे नज़रिए से देख सकें। सो चलिए, विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम केरला एंड मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ पे।